हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है अरिस्टोटल यानी अरस्तु। ओके, ये सिकंदर आजम के टीचर थे। 322 BC में गुजरे हैं। ओके, बिफोर क्रिश्चियन जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेटो के स्टूडेंट थे, मतलब अफलातून के शागिर्द थे। इसके बाद जो है अफलातून जो थे वो सुकरात के शागिर्द थे। ओके, सुकरात के शागिर्द थे। इस तरह ये सिलसिला होके आ रहा है। तो यूनान ने, मतलब यूनान तो आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा कि यूनान जंगों के लिए भी मशहूर है, इस वक्त की टेक्नोलॉजी के लिए भी मशहूर है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, मुल्क तब मजबूत बन सकता है जब उसमें कोई ऐसा पैदा हो जाए जो उसको मजबूत बनने के बारे में सोच सके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी मुल्क के साथ बड़ा फौज हो, बड़ा एटमी हथियार हो, या बड़ा मतलब बड़े बड़े बुर्ज हो इसके साथ, या वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क तब तरक्की कर सकता है जब उसके साथ नामवर स्टूडेंट्स हो। ओके, नामवर लोग उस पर पैदा हो चुके हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यूनान का नाम लेते तो यूनान उस वक्त में एथेंस, स्पेशल तौर पर एथेंस जो था वो उस वक्त इसलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे अल्लामे गुजरे जिसका मतलब सदियां गुजर चुकी है। तो 3000 साल, 2500 साल, 2000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी उन लोगों के नाम बहुत इज्जत से मतलब लोगों के मुंह से निकलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एक है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम, फिर उसके उस्ताद जो है अरिस्टाटल, फिर उसके उस्ताद जो है अफलातून, फिर उसके उस्ताद जो है सोक्रेटिस मतलब सुकरात। ओके, तो आज हम बात करेंगे अरस्तु के। ओके, अरस्तु जो थे ये प्लेटो के शागिर्द थे, प्लेटो के शागिर्द थे। ओके, उन्होंने बहुत ही मेहनत से उसे पला बढ़ा। ओके, उसके साथ बहुत मेहनत की। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी प्लेटो के दूसरे शागिर्द ने कहा कि उस्ताद, ये आपका शागिर्द है अरिस्टाटल, आपका शागिर्द है, और वो आपके बजाय तंकीद कर रहा है। तो उन्होंने क्या खूब जवाब दिया कि मतलब ये आज मुझ पे अपना बड़ास निकाल रहे, कल ये ऐसा करेगा कि मतलब लोग उस पे बड़ास निकालेंगे और ये लोगों पे अपना बड़ास निकालेगा। मतलब ऐसा कुछ होगा कि ये ऐसा कुछ करेगा कि उससे मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी और उसकी भी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन लोगों की नज़र में ये मतलब वो बातें और वो जो काम वो कर चुका होगा वो लोगों के दिलों में और लोगों की आंखों में खार बन चुका होगा। ओके, तो ऐसा ही हुआ। उसके कुछ अरसे बाद ऐसा ही हुआ जब मतलब यूनान जो था वो पसमानदा हो चुका था। यूनान किस वजह से पसमानदा हो चुका था? वहाँ स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, औरतों के और लोग औरतों के मतलब बहुत इज्जत नहीं किया करते थे, उनको एज ए स्लेव इस्तेमाल किया करते, अपनी ज़रूरत के वक्त उसे इस्तेमाल किया करते थे। बहुत से ऐसे और भी बातें हुई, लिटरेचर की बात थी। ओके, लोग यूनान की लिटरेचर को टच नहीं किया करते थे, वो बेजा मौसीकी के बारे में लिखते थे। बड़े बड़े मतलब आर्टिस्ट जो थे वो भी बस ख्याली दुनिया में रहते थे। तो अफलातून जो उसने, वो फलासफर भी था और पॉलिटिशियन भी था, उन्होंने उसे ही टच किया। उन्होंने कहा कि ये बात उसने रिपब्लिक बुक नंबर वॉल्यूम नंबर 10 में किया। ओके, उसने कहा कि मैं एक दिन ऐसा रियासत बनाऊंगा, या अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसा रियासत बनाऊंगा जिससे मैं शायरों और आर्टिस्ट मतलब जो चित्रकार होते हैं उसको मैं निकाल दूंगा। ओके, उन्होंने मतलब उसके लिए बहुत से सबूत पेश किए। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि अब देखो यूनान जो है ये किस स्टेज पर पड़ा है। ओके, यूनान जो है वो मतलब बहुत पसमानदा हो चुका है, लोग उसके लिटरेचर को टच नहीं कर रहे, लोग ख्याली दुनिया से गुजर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि मतलब औरतें जो है उसको कोई इज्जत ही नहीं दी जाती, उनके जो है इज्जत फामाल की जाती है, उनको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है।
उनको मतलब तालीमी जो हकूक नस्वा है उनको नहीं दिया जाता, उनको ज़रूरत के जो ज़रूरत की खुराक है, जो ज़रूरत की उसकी माशी हालत है उसे वो भी फराम नहीं है। तो ये शायर और ये आर्टिस्ट जो मतलब अपनी ख्याल दुनिया फिर लिखते हैं, ये सच्चाई को क्यों से वहाँ सामने नहीं लाते। तो रिपब्लिक बुक नंबर वॉल्यूम नंबर 10 में उन्होंने उसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, शायरों और आर्टिस्ट पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की, वो भी दलील के साथ। उसने और बातें किया कि उसने ये कहा, पॉइंट नंबर 2, उसने ये कहा कि लिटरेचर यूनान का जो लिटरेचर है वो तबाह हो रहा है, दिन ब दिन तबाह हो रहा है। ओके, दिन ब दिन ये मतलब फर्स्ट हो रहा है। तो शायरों को चाहिए कि अपने लिटरेचर ज़िंदा करें, आर्टिस्टों को चाहिए कि ख्याली दुनिया से निकले और हकीकी तस्वीर, यूनान की जो सदियों से पहले हकीकी तस्वीर है वो लोगों के सामने रखे, ताकि लोग उसके बारे में उजागर हो, लोगों को उसके बारे में पता चले। ऐसे ही कुछ हुआ, वक्त गुजर गया, अफलातून दुनिया से रुखसत हो गया। ओके, अफलातून दुनिया से रुखसत हो गया। तो इस वक्त से मतलब जब अरस्तु उसके मदरसे में पढ़ रहे थे, उस वक्त से अरस्तु के दिल में ये बात थी कि मैं शायरों और आर्टिस्ट का ज़रूर दिफा करूँगा। ऐसा ही हुआ, उसके मौत के 6 साल बाद वही बात उसके दिल में थी। ओके, उसने रिपब्लिक से न छोड़ के वो निकाल दी, रिपब्लिक से भी नहीं छोड़ के निकल, उसने उसके सामने से भी सुनी थी ये बात। तो उन्होंने उसके मुकाबले में लिखा भौतिका मतलब पोइटिक्स, पोइटिक्स उसने लिखा। उन्होंने जो है ये शायरों और आर्टिस्ट की बहुत दिफा की उसमें, उसने बहुत से मतलब जो अरिस्टोटल की तनकीदें थी, जो मतलब उसका क्रिटिसिज्म था, उसका खूब जवाब दिया। उन्होंने इनडायरेक्ट उस्ताद का एहतराम करता, तो उसके अरिस्टो खुद कहता है कि मैं पोइटिक्स में ही कहता है कि पोइटिक्स आई थिंक पेज नंबर 28 पे, वॉल्यूम नंबर 23 में वो कहते हैं कि मैं उस वक्त भी उस पर तनकीद कर सकता था लेकिन वो मेरे उस्ताद मिल रहे तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ओके, उसके जाने के बाद, उसके 6 साल बाद जो उसके मतलब खाक में खाक मिल गई, तो उन्होंने पोइटिक्स लिखा, पोइटिक्स पेज नंबर 28 या 27। ओके, और वॉल्यूम नंबर मैंने बताया कि 23। ओके, वॉल्यूम नंबर 23 में उसने ये बताया कि शायर जो है ये ख्याली दुनिया में नहीं रहते। ओके, शायर ज़्यादातर ख्याली दुनिया में नहीं रहते, वो अपने दिल की हकीकत और दिल के बड़ा जो है वो निकाल लेते हैं, दुनिया के सामने हमेशा वो पेश करते हैं। अब आर्टिस्ट जो है ये अपने जहन में खाका बनाते हैं, ये ख्याली दुनिया में नहीं रहते, ये समाज को निचोड़ के लोगों के सामने एक तस्वीर में पेश करते हैं। अब उसके लिए हम मिसाल क्या दे सकते हैं, अगर आप लोगों ने टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस ये पढ़े हो, तो इसमें लिली ब्रस्ट को एक करेक्टर है। ओके, वो एक पेंटिंग बनाती है, वो एक पेंटिंग बनाती है, लेकिन आज तक लोगों को ये पता नहीं चला कि ये पेंटिंग किस चीज़ की थी। ओके, ये पेंट अलग ही हकीकत ये है कि वो पेंटिंग जो थी वो सोसाइटी पर मुनासिर थी। ओके, सारी जो सोसाइटी थी, सारी जो मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे जो फैमिली थी और जो उसके साथ टचते रिश्तेदार, उसके बारे में वो पेंटिंग थी। उसकी जो मतलब मिस्टर रैमसे का जो गुस्सा होता था, जो बड़ास होता था, अपनी बीवी पे निकलता, अपने बच्चों पे निकलता, मिसेस रैमसे का जो प्यार था अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उसका एक खाका था वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह ही शायर भी है। ओके, वो लोगों को नचोड़ के मतलब सोसाइटी को नचोड़ के, सोसाइटी की बातों को नचोड़ के, या आर्टिस्ट सोसाइटी की खाकी को नचोड़ के, या मतलब इर्गिर्द जो माहौल है उसको नचोड़ के वो पेंटिंग बनाते हैं। ओके, वो शायरी करते हैं। तो यही सबूत अरस्तु ने दिया, अरिस्टाटल ने इस पे पोइट्री और आर्टिस्ट पोइट्स और आर्टिस्ट का दिफा किया। ओके, उसने और भी बहुत से सबूत दे दिए। फिर अब अरिस्टोटल के साथ एग्री कौन हुआ, सर फिलिप सिडनी उसके साथ एग्री हो चुका है।
एन एफोलॉजी फॉर पोइट्री, आप लोग प्लीज एन एफोलॉजी फॉर पोइट्री फॉर मोर इंफॉर्मेशन फॉर मोर डिस्कशन, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह बहुत से मतलब जो होमर वो होमर को फॉलो कर रहे थे, ओके। सुकरत होमर के बहुत मद्दाह थे, उनके हामी थे, उन्होंने वो फॉलो किया है, ओके। होमर भी इस तरह के हकायक को पसंद करते थे, वो हमेशा मतलब हकायक पर मबनी बातों को डिस्कस किया करते थे। इस तरह सुकरात ने भी किया है, ओके। सुकरात इसके बाद अगर हम नए एजिस को लें तो जॉन मिल्टन भी ऐसे ही थे, इस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ भी ऐसे ही थे, नेचुरलिस्ट थे, हकीकत को सामने खाके में रखते थे, वो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते थे जैसे आप जैसे रीडर ये समझे कि ये माहौल बिल्कुल मेरे सामने है, ओके। तो सुकरात ने इस तरह पोइट्स और आर्टिस्ट का जो दिफाई वो किया। इसके बाद परगेशन प्योरिफिकेशन क्लेरिफिकेशन ये थ्योरीज है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्या हुआ, उसने मतलब प्लेटो ने जो क्रिटिसिज्म की वो इस वजह से की, न छोड़िए है कि उसने ये इस वजह से की कि उस वक्त यूनान जो था वो स्लेवरी भी था, हालात बिल्कुल ख़राब थे, लोग इलिटरेट थे, ओके। लिटरेसी पे वो तवज्जो नहीं देते थे, औरतें ग़ुलाम थी। आजकल जो चल रहा है मतलब हम पाकिस्तान का पाकिस्तान को ले या मतलब इंडिया को ले, तो ऐसे ही उस वक्त था, गरीब गरीबतर होता जा रहा था और अमीर अमीरतर होता जा रहा था, ओके। औरतों के हकूक़ के बारे में किसी को कोई ख्याल भी नहीं था, गरीब के हकूक़ के बारे में किसी को कोई ख्याल भी नहीं था, गरीब का बच्चा तालीम हासिल करने किसी के ख्याल में भी नहीं था, ओके। अमीर का बच्चा बाहर जाकर पढ़ता था, ओके। अब भी ऐसा ही हो रहा है, तो इस बिना पर प्लेटो ने शायर आर्टिस्ट और बहुत से और लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उसने क्लियरली ये कहा कि ये लोग बेजा प्यार मोहब्बत या ख्याली दुनिया में रहते हैं, तो ये हकीकत पर मबनी जो आजकल यूनान है उसका खाका क्यों पेश नहीं करते, उन अपनी शायरी और अपनी आर्ट में अपनी तस्वीर में यूनान के मसले मसाइल को क्यों नहीं खींच लेते, वो अपने दिलों में प्यार मोहब्बत के बजाय ख्यालों की दुनिया के बजाय शायरी जो है वो यूनान पर क्यों नहीं लिखते, ओके। मतलब वो अपनी शायरी और अपनी आर्ट को यूनान के सिलेबस में क्यों शामिल नहीं करना चाहते, ओके। इस तरह ऐसा ही हो रहा था, और उन्होंने क्लियरली ये कहा कि अगर मुझे बस चले, अगर मेरा बस चले, ओके, तो मैं ऐसा करूँगा कि सारे आर्टिस्ट और राइटर जो है मतलब पोइट्स जो है उनको मैं जंगलों में दिखेल दूँगा, ओके, उनको मैं जंगलों में दिखेल दूँगा। ऐसा ही जिस तरह उन्होंने तंकीद की है, ओके, और सबूत दी है, इस तरह इसके अपोजिशन या उसके स्टूडेंट अरिस्टोटल ने भी अपनी मतलब शायरों और तज्ज़ियाकारों या मतलब आर्टिस्ट की भी इस तरह ही दिफा किए, ओके। इस तरह उन्होंने भी दिफा किए और ये कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ख्याली दुनिया में नहीं, वो हकीकत की दुनिया में रहते हैं, हकीकत को पर मबनी शायरी लिखते हैं, क्योंकि शायरी जो है ये अनकन्शियस होती है, ओके। उसके लिए कोई मतलब कोई प्लान वगैरह नहीं होती कि मैं क्या करूँगा, शायरी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ कि शायर हमेशा शायरी कैसे लिखता है, वो जहन पर दबाव डालकर नहीं लिखता शायरी, या आर्टिस्ट आर्ट कैसे बनाता है, वो जहन पर दबाव डालकर नहीं बनाता आर्ट, ओके। उसके जहन में अनकन्शियसली उसके जहन में ख्याल आता है, ओके, और सोसाइटी मतलब जो भी टॉपिक उसके दिल में आए रियलिटी पर मबनी वो इस पे शायरी कर देता है, उस पे आर्ट बना देता है। ये तकरीबन आज से 25-26 साल पहले अरस्तु ने भी ये बात की थी, और 18th सेंचुरी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि देख ये जो है
अनकंशियस फ्लो है, ओके। किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन में शायर कुछ भी लिख सकता है, ओके। वो हकीकत पर मबनी होते हैं, उसके दिल में जो बात आती है, मतलब सोसाइटी के हवाले से जो बात उसके दिल में आती है वही लिखता है, ओके। तो मतलब उस शायरी के लिए कोई ज़बान या कोई मतलब टाइम या कोई वक्त या कोई सिचुएशन या कोई माहौल, ये लाजमी नहीं है कि शायरी के लिए वो मौजू हो, ओके, या आर्ट के लिए वो मौजू हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हम प्योरिफिकेशन, फर्गेशन और क्लरिफिकेशन थ्योरीज पे करेंगे। तो तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और प्लीज़ न्यू व्यूवर जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या दोस्तों के साथ शेयर करें। हिलाल ट्यूटर्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।